गाइस इसमें जो है ना अभी 240 वोल्ट का करंट, और अब हम ये चीज को क्या करने वाले हैं कि पानी के अंदर डालेंगे और देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है। गाइस आज जो है ना हमारे हाथ में है 240 वोल्ट का झटका, यानी कि आपके घर में जो करंट आता है ना एसी पावर सप्लाई, वो आज है हमारे हाथ में। तो गाइस हम क्या करेंगे, पानी में डालेंगे और फिर देखेंगे कि रिएक्शन क्या होता है। गाइस मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन ये करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार। ये देखिए इधर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, ये दबा के बेल आइकन दबा दे ताकि हम कोई भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए गाइस चलते हैं फटाफट। गाइस इसमें जो है ना अभी 240 वोल्ट का करंट है, और अभी मैंने आपको लाइट भी चालू करके दिखाया, और अब हम ये चीज़ को क्या करने वाले हैं कि पानी के अंदर डालेंगे और देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है। बिकॉज कि ये दोनों मतलब न्यूट्रल और फेज दोनों है, तो पानी में तो करंट आता ही है, तो पानी में न्यूट्रल और फेज दोनों डालने के बाद देखते हैं क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है कि क्या होता है। तो गाइस पानी में डालने से पहले ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करो और शेयर कर दे। यार गाइस इसके अंदर है ना पानी के बुलबुले छोटे छोटे आ रहे हैं यार, पानी ऐसा लग रहा है उबलने जैसा हो रहा, और जो वायर की जो परत है ना उसमें कॉपर से है ना वो बिल्कुल डार्क सर्कल में हो गया, ये देख सकते हैं आप। और इसमें मतलब ऐसे पानी के छोटे 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 बुलबुले आ रहे हैं, ये देखिए आप, ये देख सकते हो आप। गाइस इसमें है ना कंटिन्यू है ना पानी के बुलबुले वायर से निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वायर में हमने ऑक्सीजन का प्रेशर दिया है, लेकिन हमने इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर बिल्कुल नहीं, इसमें जो आपके घर में जो नॉर्मल बिजली आती है उसका पावर सप्लाई दिया है। और दोनों वायर से ही मतलब देख सकते हो आप कि बुलबुले आ रहे हैं। और लेकिन गाइस एक चीज है ना सोचने वाली बात है कि इसमें है ना बारीक बारीक ऐसे बहुत बारीक से ब्लैक ब्लैक इसमें ऐसे कण आए हैं, मतलब डस्ट के जैसा इसमें पानी में आए हैं, और आप देख सकते हो। यकीन मानो आप कि पानी जो है ना बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, और ये देखिए पानी के ऊपर से भाप भी आ रहा है, पानी गर्म हो गया यार। मुझे तो ऐसा उम्मीद नहीं था, कि मैंने जो सिंपली सोचा था ना कि वायर जो डालेंगे ना इसमें तो करंट आएगा, हल्के फुल्के बुलबुले आएंगे, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि पानी बिल्कुल गर्म हो चुका है। कोई ना डिस्प्ले में देखने में उतना मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ना, मुझे जो मजा आ रहा है ना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस यार। इसके ऊपर है ना मतलब ग्रीन ग्रीन बहुत सारी चीज है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए आप ग्रीन ग्रीन चीजें है ना बहुत ज्यादा यहाँ पे ऊपर आगे, मालूम नहीं है क्या है। गाइस लेकिन एक चीज मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब पानी के ऊपर है ना ग्रीन ग्रीन चीजें और इसमें डस्ट जैसा ग्रीन ग्रीन चीजें आ चुका है, जैसे पानी में काई होता है ना उस टाइप का चीज है, और मुझे उम्मीद नहीं था, बहुत ज्यादा आ चुका है। गाइस हमने कुछ और सोचा था और यहाँ पे कुछ और हो रहा, पानी पूरी तरह से गर्म हो चुका है यार। ये आप देख सकते हो कि ये भाप आ रहा है इसके अंदर से, और ये बहुत ज्यादा गर्म हो चुका, मैं इसे खाली हाथ से छू नहीं सकता हूँ विदाउट ग्लव पहने। तो गाइस फाइनली ये होता है आप अपने घर के पावर सप्लाई यानी कि 240 वोल्ट जो एसी करंट है वो अगर पानी में डाल दो तो ये रिएक्शन होता है जो आज हमने किया। और ये जो हमारा एक्सपीरियंस था ना बहुत ही अलग था यार, और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये पानी है ना ऐसा घन घन मतलब आवाज आ रहा है यार। ये देखो मैं कैमरा नजदीक लाता हूँ, आप देख सकते होंगे, और माइक भी नजदीक लाता हूँ, आप फील करो कि आवाज इसमें से कैसा आ रहा है। गाइस यार ये मतलब मैं यकीन नहीं मान रहा था कि मतलब तक कुछ हो जाएगा ये सिर्फ, क्योंकि वायर इसके है ना बिल्कुल अलग अलग अलग। अगर हम हीटर यूज करते हैं ना तो वो रेजिस्टेंस पैटर्न में उसमें कॉइल होता है, इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज कि ये कांच का ग्लास है तो ये फूट भी सकता है। तो गाइस आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, ये देखो इधर सब्सक्राइब का बटन है यार, और लाइक कर दो यार, हम इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लाइक करो लाइक करो लाइक करो, मैं इतने तीन बार बोला लाइक कर दो आप, और जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।